मतलब फास्ट ऑर्बिट में टू, सेवन ऑर्बिट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और लास्ट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल सेवेंटी इलेक्ट्रॉन। ताले प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन होच्छे एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन होच्छे चार्ज लेस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का टोटल नंबर होच्छे मास नंबर, और प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर होच्छे सेम। माने इनर क्वेश्चन में जितना प्रोटॉन है बाहर में उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन। ना सोडियम में 11 टोटल ही होना चाहिए, तो फिक्स नंबर इसमें अलग सा नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसमें से जा सकता है सोडियम से, तो इलेक्ट्रॉन जब सोडियम से चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज जो चला जाएगा तब सोडियम प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज लेने से क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। माने जो एलिमेंट नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा वो प्लस हो जाएगा, और जो एलिमेंट नेगेटिव चार्ज ले लेगा वो क्या हो जाएगा माइनस। अरे इलेक्ट्रॉन चार्ज जो रिलीज कर देता है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्सेप्टेड मतलब क्या है जो ले लेता है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। जैसे सोडियम आयन, सोडियम आयन वन इलेक्ट्रॉन चार्ज छोड़ देता है तो इसीलिए सोडियम इन्हें प्लस हो जाता है, और जो क्लोरीन आयन है वो वन इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या होता है वो सीएल माइनस हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जब फॉर्म होता है तब एन ए प्लस सीएल माइनस यही फॉर्म में होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो प्लस आयन में बदल जाता है प्लस चार्ज में, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो माइनस चार्ज में बदल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है माइनस नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव लेता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव छोड़ देता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अंडरस्टैंड?